सूचना सेनानी ने प्रतिदिन विजय सम्मान के योग बुजुर्गों माताओं भाइयों बहनों प्यारे बच्चों जिला प्रशासन के अधिकारी शांता बंधु आजादी के अवसर पर मैं आप सभी लोगों वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं देश की सीमाओं पर मुस्लिम हालात पर भी मुख्य विशेष सेना वीर जवानों को स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर बधाई देता हूँ। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन हो, हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर हर दफ्तर में तिरंगा है, हर महान हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है, पूरा देश देशभक्ति के रंगों में रंगा है। इस दिन के लिए भारत मां के न जाने कितने दिसंबरों में अपने प्राण न्यौछावर कर बलिदान कर दिया। इस दिन के लिए असंख्य भक्तों ने कब धीरे अभियान में शरीर में इस पावन अवसर पर देश आजादी की प्रतीक वेदी पर अपने प्राणों की आहुति के लिए मैं सभी ज्ञात सरकार सैनिकों को नमन करता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हरियाणा तो वीर जवानों के विद्यार्थी जिनके महात्माओं ने आजादी की लड़ाई से लेकर 1965-1967 में पाकिस्तान युद्ध तथा कारगिल अवसर को दिखाया और भारत माता के मस्तक को दर्शन दिया था। आजादी के बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नेताओं के योगदान को भी हम भुला सकते। आज की युवा पीढ़ी को देशभक्ति प्राण भाव सेवा के प्रति ऐसे नेताओं से मिलना नहीं चाहिए। आजादी के आंदोलन को सबसे किसानी हड़ताल सत्ताओं का हरियाणा के अंबाला जनप्रतिनिधि उप चुनाव ने आगे चल जाएगा जन आंदोलन खड़ा किया, जिसके बहुत हम कामयाब रहे। इस आंदोलन के प्रचारियों की देशभक्ति से हमारे युवा पीढ़ियों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, इसके लिए हम हमारा छावनी में सही चुनाव सुना रहे हैं। भाइयों और बहनों की यह करते हुए हर लोग आए कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज सिर्फ रूप से अपने सर्वोच्च में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अमेरिका के जो विशेष दर्शक देश की प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जो आह्वान हो रहे हैं, जब भी कोई वैश्विक संकट आता है तो पूरा देश के नेता संकट का हर प्रकार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई को कहते हैं। यूक्रेन के लोग के बीच हुए लड़ाई को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हुए सबके सामने हैं। जितना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की मदद का और युद्ध को उदान भरवाने में है मोदी कार्यवाही स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई देने का विज्ञान महसूस हो रहा है, जिन्होंने लगातार एक बार नरेंद्र मोदी को देश के बहुत ही सुंदर ध्वन की रिपब्लिक स्कूल नूह जिसका नेतृत्व भारत के द्वारा किया जा रहा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को प्राण की आहुति इसमें श्रीमती बसई वाइपो फ्लेट श्री जगदीश अहमद गोनपुर से वादी दो श्रीमती विद्या वाइपो फ्लेट श्री मोदीरा ताऊ ये वो परिवार जिन्होंने अपने लिए स्कूल को देश के नाम किया। लेट किरण शेखावत के ससुर श्रीचंद जी पोटला से हमारे मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सौ कर्म को सम्मानित करते हुए वीर शहीद को अश्री तथा समझ अर्पित करते हुए श्रीमती भारत माँ की रक्षा के लिए अपने तो दूसरी तरफ के बच्चों के साथ मैं नोट करती हूँ। मैं मुख्य अतिथि महोदय से ये मंच पर आया जो तालियों के साथ बच्चों का स्वागत भी करें।
का गौरव। होकर विभिन्न रूपों में देश की रक्षा करेंगे, देश की बागडोर संभालेंगे। इनमें से कुछ बच्चे हमारे एक साथ मिलते जुलते उठते बच्चों के हाथ गंगा जमुनी तहजीब का भव्य नजारा। के निर्देशन पे पूरा कार्यक्रम निश्चित तरीके से हुआ। बच्चों के साथ उत्साह वर्धन करते रहे। इसके बाद मिसेस मंजू लता लीगल एड काउंसिल सिविल कोड, मिस मंजू लता लीगल एड काउंसिल सिविल कोड एंड अकाउंट। अपनी तैनाती के दौरान अपनी सूचना 2506 किलोग्राम गांजा बरामद करके दिनांक 20 मार्च को एक थाना पुनाना में अंकित किया गया। इसके बाद चंद्रवाहन नंबर 42 से ड्यूटी करते हुए सभी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते और क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था बनाए रखी। इसके बाद PSI सचिन कुमार जी इंचार्ज चार तैनाती के दौरान अपनी सूचना पर बेल जम्पर पैकेट को काफी दिनों से फरार चले आ रहे और क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था बनाई रखी। इसके बाद उप निरीक्षक कमल 37 नुहु CIA पुलिस विभाग में तैनात गीता जयंती क्विज कंपटीशन स्टेट लेवल पर जीत कर हमारे मेवत का नाम रोशन किया। इसमें संस्कृत में श्लोक उच्चारण किया। बहुत ही सुंदर और सिस्टमेटिकली तरीके से इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन आज आपके बीच रखी। बधाई है इनका शिक्षक जिला प्रशासक नूह जिन्होंने इतने एक्टिव और टैलेंटेड बच्चों के टीम यहाँ पर निकाल कर पूरे विभाग में एक अलग से छवि अपनी छटा बखेर दी। काबिले तारीफ सर।